जिंदगी तमाशा है और बेतहाशा है, भीड़ ऐसे लोगों की जिनको सिर्फ जीना है, जो मिले वो पीना है, जी गई तो सीना है, लॉलीपॉप देखे भी मुस्कुरा के जीना है। जी क्या कर रही हो? इंतजार। इस अखबार में जो खबरें हैं ना, उन सबसे सनसनी खेज खबर जो तुम मुझे देने आए हो, उसका इंतजार। अखबार की इतनी सारी खबरें पढ़ सकती हो मगर मेरी एक छोटी सी बात नहीं सुन सकती? हालांकि अखबार सनसनी खेज खबरों से भरा हुआ होता है मगर तुम्हारी जो खबर है वो इस अखबार की खबरों को पीछे छोड़ जाएगी, देख लेना। ठीक है, रहने दो, मैं बात ही नहीं करता। अब किसी पॉलिटिशियन की तरह ना अपने किसी रवैये पे खामोशी इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, कह दो जो कहना है। नहीं, रहने ही दो। तुम्हारी मर्जी, अब इस बात को दोहराने की कोशिश मत करना। ठीक है, कभी नहीं करूंगा ये बात, लेकिन मेरा कुछ और मसला है। मुझे पता है अब तुम किसी भी बात की हेडलाइन बदल के उसे बताने की कोशिश करोगे, है ना? भाई अब तुम कुछ भी समझो, मुझे 25,000 रुपए कैश चाहिए। What? जी 25,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, समझे? पूरा महीना लोग काम करते हैं तब उनको 25,000 रुपए मिलते हैं। मेरे इतने से पैसे मांगने पर अब तुम मुझे दूसरी जंगे अजीम और 1947 के दिल दहला देने वाले किस्से सुनाओगी? अगर इनकम ना आई तो जितनी भी जमा पूंजी है एक दिन सरकारी खजाने की तरह लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो क्या करूं मैं, किसी नौकरी की सूली पे लटक जाऊं? नहीं भाई, अगर ये काम तुम्हारे का होता, यानी बस का होता, तो तुम पहले ही इजहार करते थे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि पेइंग गेस्ट रखे जाएं ताकि रेगुलर इनकम हो, समझे? मैंने स्टेट एजेंट से कह दिया। जो भी है मुझे पैसे चाहिए। बेहतर ये कि अभी निकल लो, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो सब कुछ घुमा दूंगी। तो आपको कैसा लगा मेरा इतना प्यारा घर? घर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया है। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी इंटीरियर डिजाइनर हूँ इसलिए। जी जी बिल्कुल, आपने ये सारी चीजें कहाँ से ली हैं? मैंने ऐसी चीजें आज तक नहीं देखी। ये अरबों की जिद में, इसलिए कि आपने देखा होगा सारा अरब गोल्डन सिल्वर रेड ब्लू ग्रीन में है, तो मैंने सोचा उसी कॉम्बिनेशन में कुछ कर लेना चाहिए। एंड आई डिड दैट एक्चुअली, यू नो। आप देखिए ये जो मेरा घर है इतना प्यारा बड़ा, अब ये देख रहे हैं आप, ये है हल्दी लगी हुई स्टार फिश, ये मैंने धूप में सुखाई है, अब कल इसका अचार डालू। और ये देखो जो लाल रंग आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये मेरे ड्रेसेस से आता है। मेरा ख्याल है मुझे अब इजाजत दें। अरे नहीं, अभी तो बहुत इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। बस मैं आपको पेंगेस भेजता हूँ। नहीं अभी please, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जी जी नहीं, मैं अरे सुनिए प्लीज, एक बात क्लियर कर दूं, जो भी चीज टूटेगी उसकी कीमत वही होगी जो हम लिखेंगे उस वक्त, और वो हम आपसे लेंगे। दरवाजे पर देखो कौन है। क्या है देवी बाजी, खुद देख लिया करो यार, मुझे कमरे से बुलाया है। ओहो फोन उठाओ। ओहो जब कॉल आती है तो कॉल रिसीव करते हैं, फोन नहीं उठाते। क्या बात है, इन्फॉर्मेशन का शुक्रिया, कॉल रिसीव कर लीजिए। जब तक फोन उठाएंगे नहीं तो कॉल कैसे रिसीव करेंगे? जेबी पहले फोन उठा लो फिर कॉल रिसीव कर लो। ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने तुम्हें दी थी, तुम मुझे क्यों दे रहे हो दोबारा? हाँ जेबी, जेबी फोन उठाओ और कॉल रिसीव कर लो। ओके हेलो। हेलो, मैं स्टेट एजेंट बोल रहा हूँ। तो ये बताने के लिए आपने फोन किया है, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मैंने किसी और काम के लिए फोन किया था, आप फोन ही नहीं उठा रही हैं। वो एक्चुअली एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग रोक कर मैंने आपकी कॉल को किया। दरअसल आपको ये बताना था कि एक बहुत बड़े सियासतदान
आपके यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, वैसे इस सियासतदान से हमें खैर की तवक्क तो करना नहीं चाहिए, है ना? बहुत अच्छे सियासतदान हैं। सियासत के साथ साथ सोशल वर्क भी करते हैं। और अपने आप को सियासतदान के बजाय सोशल वर्कर कहते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, जरा ख्याल रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। टिम्मी, एक बहुत बड़े सियासतदान आ रहे हैं। हाँ, और बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं। उनकी बहुत इज्जत करनी है, बहुत ख्याल करना है उनका, समझे? जेबी, डोंट वरी, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। शायद आ गए। तुम देखो, मैं जरा। ओके। लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली आइए आइए, बैठे प्लीज। मेरी बाजी तो बहुत तारीफ कर रही थी कि सोशल वर्क ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। बस सोशल वर्क ही मेरा पूर्ण बिछोना। कब से कर रहे हैं आप ये काम? बस ये समझ ले, जब से घर वालों ने निकाला है, सोशल वर्क ही मेरी जिंदगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी बाजी आ गई। जी प्लीज लीजिए। बहुत शौक था आपसे मिलने का, इतना इश्तियाक था कि बस मत पूछें। जब से मुझे जमील ने बताया ना, कि मुझसे तो इंतजार ही नहीं हुआ कि आप कब तशरीफ लाएंगे यहाँ। जरा नवाजी है आपकी, बल्कि बाज लोगों से तो मिलकर ऐसी शर्मिंदगी होती है, इस तरह बिहेव करते कि दिल दुखता है। बदनसीब, यकीन कीजिए, बदनसीब है वो लोग जो इस तरह बिहेव करते हैं, वो भी के साथ, यानी आपके साथ। सुभान अल्लाह, क्या शख्सियत है आपकी, परसों बाद ऐसी शख्सियत से मैं मिल रहा हूँ, क्या बात। शुक्रिया। कितने दिन का कयाम है वैसे आपका यहाँ पर? कितने दिन का कयाम? भाई ये तो ऊपर वाले को मालूम है, वरना कल की क्या खबर किसको। नहीं, मैं पूछ रही थी यहाँ हमारे घर कितने रोज का कयाम है आपका। मैं तो बात करके यहाँ से चला जाऊंगा। यानी आप पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो सोशल वर्कर हूँ, और बेघर शौहरों के लिए मैं चंदा इकट्ठा करता हूँ। ये बिस्किट रख दे, चल निकल यहाँ से, निकल। मेरी बात तो सुने। चुप, मेरा घूमा हुआ दिमाग और घूम गया तो काबू करना मुश्किल होगा। ठीक है, चले। अरे बाहर तक छोड़। मेरे लो बाहर। लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, जेबी साहिबा हैं? जी हैं। आप कौन? मैं आपका खादिम यार ममंद। हमारा तो इस नाम का कोई खादिम नहीं है। अरे चरिया, अपनी मालकन को जाके बताओ। हमारी तो कोई मालकन भी नहीं है। वैसे आपको ये चरिया नाम किसने बताया? किसी को बताने की जरूरत नहीं, तू शक्ल सही लगता है, जाकर अपनी मालकन को बताओ कि सियासतदान यार ममंद आया। जी जी, बताता हूँ। नसरीन, मैं एक और जिंदगी में कदम रखने जा रही हूँ, लिहाजा मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। हाँ हाँ, बता दूंगी, मैंने खुद बनाई थी वो क्रीम, लेकिन अभी इतना लॉन्ग प्रोसेस है, क्या करूं। ओके नसरीन, ओके। क्या हुआ? जेबी, एक शख्स दरवाजे पे खड़ा तुम्हारा पूछ रहा है, कहता है कि कोई सियासतदान है, और वो जो तुम मुझे प्यार से कहती हो चरिया, वो भी कह रहा है। इतना बड़ा सियासतदान दरवाजे पे खड़ा है? तौबा तौबा, तुम 3 नंबर के जूते से 11 नंबर का जूता पहनना शुरू कर दिया, मगर अकल तुम में बिल्कुल नहीं है। कपड़े हो गए तुम, हट जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी तो शख्सियत जैसा समझा था उसे कहीं ज्यादा है। अब अचो साईं, अचो, इन
अंदर आइए ना प्लीज। अच्छो भली करे आया। बस। बैठिए साईं। आपने मुलाजिम बड़ा है, कोई चेहरा पाला हुआ है। इसको तो ये भी नहीं पता कि बात कैसे करनी है, क्या तमीज होती है, और जो मेहमान आता है उसे वेलकम कैसे कहते हैं, उसकी आजियां कैसे की जाती है। साईं, ये मुझे नौकर कौन आए, ये मुझे भाव आए नंडड़ो। वाह, ये तो आपका बड़ापन है कि नौकर को आप भाई कह देती हैं। भाई, नौकर को तो नौकर ही कहना चाहिए, उसको अपनी औकात में रखना चाहिए। साईं, ये सगा भाई है, मुझे सगो भाव। है शाबाश इतरक। अभी मेरे को लगता है ना कि कहीं गड़बड़ जरूर है, वरना सगे बहन भाई में इतना फर्क नहीं होता। अरे इसको छोड़िए साईं। यही छोड़ छाड़ करते हुए तो हमने इस मुल्क का यह हल कर दिया। अब तो ये होना चाहिए कि जिसे पकड़ो उसे सजा होनी चाहिए। आपकी बातों से तो यकीन हो रहा है कि तब्दीली आ चुकी है। हाँ जरूर, बस अब ये यकीन कर लें कि कुछ ना कुछ जरूर तब्दील होगा। साईं, एक इनोसेंट सा सवाल है, अगर आप कहें तो मैं पूछूं। आप इतने बड़े सियासतदान हैं, तो आप इतने बड़े होटल को छोड़ के हमारे घर में कैसे? हाँ, असल में बात यह है कि आजकल ना कुछ इतारे मेरी हम लोग को चेक करते हैं, वो देखते हैं कि हम लोग किधर आते हैं जाते हैं क्या करते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि बाबा अमान के दरमियान रहूं, उनके मसले मसले सुनूं, फिर जो उनके हम निबारा कर सकते हैं मसलों का वो करें ना। इसलिए मैंने फैसला किया कि बस आपके पास इधर रहूं। वाह, तो ये है हमारे मुल्क की तकदीर का तर्जुमान रवैया। देखें, मैं आपके पास इधर रहूंगा 10 दिन। हाँ, 10 दिन तो 10,000 रुपए दिन के हिसाब से हिसाब बना, 5,000, 1,00,000, 1,00,000। लेकिन मैं और पता है आपको दूंगा 2,00,000 रुपए। लेकिन बात तो 1,00,000 की हुई थी। अरे खाना भी तो खाऊंगा ना। हाँ, तो घर में जो पकेगा वो खाएंगे ना आप? नहीं, जब तक मैं इस घर में रहूंगा ना, खाने पीने का सारा खर्चा मेरे ऊपर। नहीं सही, ये मुनासिब नहीं है। नहीं, बस आप इसमें कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ देखिए, मैं जो हूँ ना, मैं आपके इलाके से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो प्रॉमिस करें, प्रॉमिस। क्यों नहीं, हम आपके साथ हैं। आवे आवे साईं आवे। हाँ ठीक है, अभी एक काम करते हैं कि मैं थोड़ा सा आराम शराम कर लूं, फिर आप लोगों को मैं ब्रीफिंग दूंगा, और जो घर के दूसरे लोग हैं उनको भी बुलवा लेते हैं। अभी लीजिए। टिमी। टिमी, हाँ? साईं को उनका कमरा दिखाओ। आइए साईं। तू तो चल वाला। वाह, भली करे आया। लॉलीपॉप पॉप, ये जिंदगी लॉलीपॉप। जेबी, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, उसको कह देना कि मेरे मुंह ना लगे। हाँ, मेहमान से ये सुलूक, ये रवैया करते हैं कोई मेहमान से? ओ भाई, किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग, यहाँ किसके प्रोटोकॉल के लिए खड़े हुए हैं भाई, कौन है? जिमी, ये एक सियासतदान है, हमारे इलाके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए उन्हें हमारी खिदमात की जरूरत है। ठीक है, हमारी खिदमात तो लेना चाहता है, हम कर देंगे उसका काम, लेकिन हमें बदले में क्या मिलेगा? हम भाई पॉलिटिशियंस बहुत तेज होते हैं, हमें इनसे बात करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा इनको कि हमें कितना मुआवजा चाहिए। बिल्कुल। अरे मुआवजा किस बात का? अरे भाई, हमारी मेहनत का, हमारे वक्त का, और हमारी काबिलियत का, और किस चीज का? वाह वाह वाह, सीख गई सीख गई। भाई ये सब तो आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। अरे तशरीफ लाते हैं हमारे लीडर सैयर मोहम्मद शाह। जिम्मी जमाल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और टीवी के
होने वाले अदाकार। मना होने वाले मतलब? एक्चुअली सर इतना काम है कि काम के लिए वक्त नहीं मिलता, इसलिए जरा फारिग हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और 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 नहीं सर ये मेरी हो गई वाइफ है, इनका नाम है शांजे जिम्मी, बहुत अच्छी हैं, ये मेरी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा पक्का हो गया कि अब जो इलेक्शन है हमसे कोई जीत ही नहीं सकता। ऐसी जबरदस्त हमारी टीम बन गई है। हटो बच्चों, अभी तुम लोगों को पता है ना मैं तुम लोगों के बीच में क्यों आ कर रहा हूँ, ताकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए हम काम कर सकें, लोगों के मसले हमको पता चले, है कि नहीं? सर आपका ताल्लुक किस पार्टी से? अरे बाबा जेजेएस। जेजेएस? ये कौन सी कोई नई पार्टी है? जेजेएस नहीं पता। अरे चरा जो जीते और उसके साथ लौटे हैं। वैसे पता क्या, मैं लोगों की ना वेलफेयर के लिए काम करना चाहता था, लेकिन जिस पार्टी के मैं साथ में था उनको और अपनी वेलफेयर की फिक्र पड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वाली वेलफेयर वाली पार्टी क्यों ना बनाऊं। वाह साईं वाह, क्या नेक ख्यालात हैं आपके। तो हमारी से एक ही पार्टी है, डांस पार्टी। वैसे आपकी तालीम क्या है? जी मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है। अरे जबरदस्त। अभी पता क्या होगा, अभी जब इलेक्शन जीत के ना फिर तुम मेरी पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन जाना। और वेरी गुड, तुम तरक्की बहुत जल्दी करोगी। थैंक यू, शुक्रिया। और जिमी साहब, ओ जिमी आप जो है ना वो आर्टिस्टों का क्या होता है वो कल्चर कल्चर तुम वो संभालना। एक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं आप? और मैडम आप, अरे आप तो वही ना वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगी। बस पानी पानी पानी, रिलैक्स रिलैक्स। अरे पानी वाली पे चढ़ा प्यार। और तुम जो तालियां बजा रहा है ना, तुम क्या समझता है तेरे को हमने क्यों रखा है, क्या सिर्फ तालियां बजाने के लिए? नहीं बाबा नहीं, तुझे सारी हमारी इलेक्शन कैंपेन को डिजाइन कर रहा है ना, इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत का जितना अब ये जो कैंपेन वैम्पेन होगी ना ये सब तुम्हारे पास होंगे, ठीक है? अभी आप लोग ऐसा करो जल्दी से जाओ अंदर, अपने मेंबर से फार्म भरो, फीस फीस जमा करो। क्या बस चलो चलो चलो। भली करे आया, भली करे आया, भली करे आया। सारी मेहनत मेरी, सारी मेहनत हम लोगों की, लीडर हमने बनाया उसको, हमें लॉलीपॉप मिल रही है और जेबी को टिकट मिल रहा है, वाह। देखो जिमी, उसको टिकट का फायदा तब होगा जब वो इलेक्शन जीतेगी, और हमारी तो वैसे भी पोस्टें पक्की है ना, तो कुछ भी हो हमारे तो मजे ही होंगे। ये बात तो मैंने सोची नहीं। वाह। वैसे हमारी तो यार लॉटरी निकल आई है, लेकिन तुम एक बात समझो कि जेबी से अब बना के रखनी पड़ेगी। असुम, ये बात तुम सोचो, मुझे मत समझाओ, तुम ही चिढ़ती हो उससे। क्या करूं भाई, फितरी अमल है, तुम्हें खुला छोड़ दूं, इतनी पागल नहीं हूं मैं। जानू ये सोचो, हम जा रहे होंगे गाड़ी में, आगे पीछे पुलिस का प्रोटोकॉल। होश में आ जाओ जिम्मी, ये जो पू पा की आवाज है ना दूर से ही अच्छी लगती है, जब बंदा गाड़ी में बैठा हो तो बात भी नहीं कर सकता। वैसे एक बात सोचो, जब मैं मिनिस्टर साहब की एडवाइजर होंगी तो कितना मजा आएगा। तुम देखना कैसे टेलीविजन पे मुझे धड़ाधड़ धड़ाधड़ ड्रामे मिलेंगे, ऑफर होंगे, लेकिन मैं मना कर दूंगा, मैं कहूंगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इंतजार करवाऊंगा। ये बिल्ली के ख्वाब में हमेशा छीछड़े आते हैं। हाँ तो मेरी बात करो भाई, मैं तो इन चैनल वालों से ना गिन गिन के बदले लूंगी, जितना तंग इन्होंने मुझे पेमेंट में किया है, चेक देने में किया है, एक एक चीज का बदला लूंगी। ओके, तो इसी खुशी में चाय बनाओ, एक अपने लिए एक मेरे लिए। अच्छा तुम शायद भूल रहे हो कि मैं शाह साहब की पॉलिटिकल एडवाइजर हूँ। तो 2 सेकंड में तुम्हें ऑर्डर से निकलवा सकती हूँ, सिर्फ 2 सेकंड में। तुम पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुम जाओ, तुम 2 कप चाय बनाओ, समझ में आ रही है बात? तुम ठीक नहीं करी, बना रहा हूँ चाय। हाँ भाई सेक्रेटरी, आज मेरी अपॉइंटमेंट्स क्या हैं? मैडम आज आपकी अपॉइंटमेंट है आपके अपने साथ। नहीं मुझे कोई शौक नहीं है फजूल लोगों से मिलने का। सेकंड बताओ। मैडम आपकी सेकंड अपॉइंटमेंट है वो एक ब्यूटी पार्लर के लिए है। ये जो मसला है ये तो कभी एड्रेस हुआ ही नहीं हमारे यहाँ, इसलिए कि लोग खूबसूरती देखना चाहते हैं। पानी गंदा है तो क्या हुआ, तालीम मिली ना मिली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेडिकल मयसर है कि नहीं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। बिल्कुल सही कह रही है मेरे बाप। तुम ऐसा करो कि मेरी वो पहली वाली अपॉइंटमेंट दूसरी वाली में मर्ज कर दो प्लीज।
जी आपने अपॉइंटमेंट लिया है मेरे सेक्रेटरी से? जेबी जेबी तुम अभी पॉलिटिशियन बनी नहीं हो। लेकिन प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। अगर मिनिस्टर बन गई तो एन वक्त पे क्या करूंगी मैं? और ये तुमने मुझे क्या पोर्टफोलियो दिया है? मुझे नहीं करना है ऐसा वैसा कोई काम। टिमी जस्ट शट अप। एक बार मिनिस्टर बनने दो फिर देखना क्या तुम्हें जबरदस्त पोस्ट देती हूँ अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज। ठीक है अब जाओ। मैडम जूस पीने थक गई होंगी। जा यहाँ से तू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब एक हैं। इससे खूबसूरत बात ये है कि हम नेक हैं और हम फेक हैं। मतलब ये कि हम अल्लाह का शुक्र हम एक हैं, एक साथ हैं। मुझे कुछ बोलना है या हमेशा की तरह खामोशी रहना है? वैसे मुनासिब तो यही कि आप ना बोले लेकिन आपकी मर्जी है। बस कोई अकेला फैसला नहीं करेगा, जो भी फैसला होगा सबका मुश्तर का होगा। अरे साईं साईं बाबा साईं। अरे क्या करता है? चमन नहीं गिर गई थी इस पर चढ़ना जाते हैं। अरे क्या है ये साईं? कैसा वक्त गुजरा आपका? अरे ना पूछो, बहुत बुरा गुजरा है बाबा। ना कोई आंखों की ठंडक, ना कोई भला कोई मनोरंजन बन रहे। क्या है भला ये? मैं समझी नहीं साईं। अच्छा ये आप समझ नहीं रही क्योंकि ये कहीं और जा रहे हैं और मेरे ख्याल में हमें कहीं और नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं आना चाहिए। साईं वैसे आंखों की ठंडक के लिए ना खीरा आंखों पे रखना बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा ये जो टुटके मुटके है ना ये आपके लेवल के लिए नहीं होते हैं, आप कुछ बड़ी सोच रखें। ये जो आम लोग है ना, आम गरीब आम, ये उनके लिए होते हैं। आपके मनोरंजन के लिए चीज़ें जो है ना वो बाहर से आएंगी, मतलब आप लोगों के जो इलाज भी होंगे ना वो भी बाहर से होंगे। जहाज में जाओगे आओगे। सैयार मोहम्मद आवे आवे, सैयार मोहम्मद आवे आवे, यार मोहम्मद आवे आवे। बस ये बताया कि आप लोगों ने जो जो हमारी कैंपेन है उसके लिए तैयारी म्यारी की है ना? सैयार मोहम्मद आवे आवे, सैयार मोहम्मद आवे आवे, सैयार मोहम्मद आवे आवे, आवेगा भाई आवेगा, यार मोहम्मद आवेगा। तो सबसे पहले यार मोहम्मद साहब की खिदमत में अपनी पाबंद नज़म पेश करने के लिए आ रहे हैं किबला टिम्मी। मेरी जान मेरी आन यार मोहम्मद पे कुर्बान। बादल सारे गर्जन गे, साईं दे नारे वज्जण गे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा चेहरा मान रहेगा। वो शाह साहब इसका मतलब था कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे दुश्मनों का चेहरा मान रहेगा। इसको हटा बस ये। ठीक है अब आपके वो सपोर्टर जो एक बेहतरीन अदाकार तो है ही लेकिन अब आपकी मोहब्बत में रॉकस्टार भी बन गए हैं। आप सबकी तालियों में आई प्रेजेंट टू यू ऑल जमी दी रॉकस्टार। इधर आओ नहीं आगे बाबा, इधर बोलो नहीं। सही मैंने सारी रात बैठ के आपकी शान में कुछ कथाएं लिखी हैं और जिस कलम से लिखी हैं सही मैंने वो जला दिया है, जैसे जज करते हैं ना सजाए मौत के बाद। साई साडाएगा मिनिस्टर भी बन जाएगा, मिनिस्टर भी बन जाएगा, जुल्म के बादल ढाएगा, चूना लगा के वो तो सीधा लंदन भाग जाएगा। अरे वाह तुम क्या बात कर रहे हो? सुल्तान नहीं बन रहा है यार, लोग भाग जाएंगे बाबा ऐसी बात करेगा तुम? अरे कैसी बातें कर रही है, इसको समझाओ भला। ये नहीं चाहिए, हल्का हाथ रखो बाबा, हल्का हाथ रखो, मैं मर आएगा क्या तुम? सही रात को नींद में था तो पता नहीं क्या लिख दिया, अभी थोड़ा कम करके लिखूंगा, डोंट वरी। हाँ दूसरा लिखो, अप्रूवल दो सेक्रेटरी साहब। जिमी चेंज करो। हाँ चेंज करो, चेंज करो, हटाओ वरी, दूसरा लाओ, दूसरा लाओ। अब जी आपके सपोर्टर्स में बेस्ट डिबेटर जो कि है जेबी जी। जी जेबी जी, साईं मेरी तकरीर एक्सेंट के साथ। तुन दिए बादे मुखालफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब समझा।
मेरे अजीज साथियों, पिछले 70 साल कितने साल 70 पिछले 70 साल कुछ लोगों ने हमें लॉलीपॉप पे लगाया हुआ है। 70 साल से कुछ लोगों ने हमें लॉलीपॉप पे लगाया हुआ है। बड़े बड़े दावे करते हैं, अपनी चूसी हुई लॉलीपॉप की खाली डंडी हमें देते हैं और हमसे तालियां बजवाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम और साईं हम उनकी बची हुई डंडी पे लगी हुई छोटी सी लॉलीपॉप चबा चबा के कहते हैं इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। सही बोला, सही बोला। हमने हुकूमत में आकर पानी का एक दरीना मसला खत्म किया है। वाकई हमने आवाम के लिए अपने जाती बजट से, क्यों सही, अपने जाती बजट से एक डैम बनाया है। तालियां। डैम फूल, पानी वाला, पानी वाला, जिसे आने वाली नस्लें याद रखेंगी और पिएंगी और खुश होंगी, इंजॉय करेंगी। और उस डैम का नाम है नलका डैम। और ये जो आज लोग हमारे लाखों आगे पीछे हैं, तो ये हमारे काम की वजह से हैं। आइए अब नलका डैम का सही इफ्तिताह करेंगे। पहली बार लग रहा है कि मेरा जो इंतखाब है वो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्या करता है यार? अरे पापा स्टाइल है यार, समझता नहीं, डरा देता बार बार, समझाओ उसको। अभी मेरी बात सुनो, सही सही ये बताओ करना क्या है बाबा? अब हमने इतना कुछ कर लिया, अब लाए अमल क्या है? अभी करना वरना कुछ नहीं है। अभी ये है कि अभी तो खुशियों के दिन शुरू हो रहे हैं। वैसे शाह साहब, सबने अपने फॉर्म जमा करवा दिए और फीस भी पे कर दी है। और जेबी जी की डोनेशन? नहीं, जेबी ने पे नहीं की। नहीं साईं, मैं डोनेशन नहीं दूंगी, बहुत ही बुरा लगता है। ओ बाबा, जो पार्टी का टिकट होता है ना इलेक्शन वाला, उसके लिए जो डोनेशन दी जाती है उसे टिकट फीस कहते हैं। आप 10 लाख रुपए दोगी तो जब आपको टिकट मिलेगा, फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब के 40 लाख रुपए ज्यादा। साईं ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग मुझे 50 लाख के बजाय 40 लाख दे दें और अपना डोनेशन 10 लाख। इसलिए कि पापा वो लोग भी तो डेबिट और क्रेडिट समझते हैं ना, ऐसे कैसे होगा? अदीजे भी अगर फायदा करवाना है तो मेरे और टिमी के भी पैसे लगा दें। 1,20,00,000 का फायदा होगा पापा। अरे पापा, अगर दिल नहीं मानता ना तो कोई बात नहीं, आप तो वर्कर तो है ना। नहीं सही, मैं बस अपने पैसे जमा करवा देती हूँ। बाबा आपकी मर्जी है, देखो अभी कल जो है ना वो फाइनल दिन है टिकट मिलने का, इलेक्शन का टिकट जो है ना कल फाइनल होगा। ठीक है, फिर मैं जल्दी से पैसे ले आती हूँ। अभी ये सही है ना, जब टिकट के पैसे नहीं जमा होंगे तो अरे हमारी ठीक आया। हाँ माँ सुखी। हाँ जरूर, इंतजार तो बहुत है साईं इतना। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस सब का सेहरा ना आपके सर है। जी साईं जी जी, सब लोग मौजूद हैं यहाँ। बस ठीक है, फिर मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। ओके थैंक यू।
अरे वाह ज़ेबी, बहुत बहुत मुबारक है तुम्हें। ज़ेबी बहुत मुबारक हो। हो जमालो ज़ेबी, हो जमालो, हो जमालो, ला 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 ला, ओ ज़ेबी आ गई मैदान में, हो जमालो, ओ ज़ेबी छा गई मैदान में, हो जमालो ज़ेबी, हो जमालो, कंट्रोल। अच्छा अपने अपने जज्बात सब संभाल के रखो क्योंकि थोड़ी ही देर में हम मनाने वाले हैं। वैसे कितना मजा आएगा ना, हम भी गवर्नमेंट के मजे उठाएंगे। कर्जा लेके माफ करवाएंगे। जब बोलना बुरा ही बोलना, मुंह बंद रखा करो अपना। भली करे आयो साईं, मेरे साथियों आपको मुबारक हो। आपकी मेंबरशिप मंजूर हो गई है। सीबी जी की डोनेशन भी जमा हो गई है, मगर पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिली। पिछली दफा पकड़े गए थे ना छत पर, तो आर यू रेडी फॉर द गुड न्यूज? देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया। पहले एक नंबर आता है, फिर दो नंबर आता है। हैंड्स अप, हैंड्स अप। जान प्यारी है ना, तो 5 करोड़ का बता दो। 5 करोड़? 5 करोड़? 5 करोड़? अबे ये तो 15 करोड़ हो गए। बोलते क्यों नहीं? ओ मैं तो कोई बॉन्ड नहीं निकला। मरने के लिए और गोली खाने के लिए लाइन में आ जाओ।